डीपी वर्ल्ड आईएल टी20 का ये मुकाबला नंबर 15वां है। डेजर्ट वाइपर्स के सामने माई एमिरेट्स। मैन इन फॉर्म है कुशल परेरा, 3000 से अधिक खिलाड़ी की 1000 से अधिक रन, बल्कि 1818 रन पिछले मैच में। चार्ल्स ने ग्रीन बेल्ट जो इनसे छीन ली थी, आज इनके पास मौका है एक बार फिर वापस वो हासिल करने का। भाई वाह, क्या कांटा बदला है, ऐसा कांटा जो बल्लेबाज को जाके चुपता है। और वो दोनों गेंदों पे नजर आया, यहाँ तो अपील भी नजर आई है, कॉन्फिडेंस नजर आया, बैटर हिला नहीं है, क्या डीआरएस लेंगे? आजम खान से पता करिए क्योंकि आवाज तो सभी को आई है। Okay, we've got a ball next to the bat, no gap. So it's definitely bat on ball. So you have to get you to change your decision to out on screen signal now. पुष्टि हो गई। अल्ट्रा आइज ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। फुल टॉस और उसका पूरा फायदा उठाया मोहम्मद वसीम ने। तोहफा था और तोहफा कबूल हुआ। भाई वाह, भाई वाह, क्या शॉट खेला है यहां मोहम्मद वसीम ने। $1500 मिलेंगे जो सबसे बड़ा छक्का लगाता है मैच में। जी हाँ बिल्कुल, बढ़िया, क्या शॉट था, थोड़ा क्रीज से आगे आ गए थे पर जैसे वो लेंथ को पिक किया और क्या जबरदस्त वो बैट स्पीड, गेंद बाहर जाती हुई। फंस गए थे, धीमी गति की गेंद थी, थोड़ा जल्दी खेल गए, भाग्य ने साथ दिया। 26-1 3 के बाद सीधा, ये गेंद नहीं रुकने वाली, पहली मंजिल पे पहुंच गई है। $1500 ले जाइए स्पाइसमैन, आप ही को मिलेंगे आज, क्योंकि ये शॉट अलग ही है, ये वुड का स्वागत हुआ है। आइए आप और ये देखिए जो शॉट खेला है, बिल्कुल लैंड डिलीवरी, उनके स्लॉट में गेंद थी 116 मीटर। ओहो, बहुत दूर गेंद जाके गिरी है, सीधा ढूंढ लिया मिड विकेट को। शाहीन शाह फरीदी बिल्कुल वही तैनात थे। एक और झटका लग गया है माय एमिरेट्स को, नजर रखिएगा उस शॉट पे, ये देखिए रोका था अपने आप को, गेंद में थोड़ा सा उछाल भी वो अतिरिक्त लाया था लेकिन पाया तो बीच में शाहीन अफरीदी को। लुक वुड के हाथ पहली सफल, चाहे उसमें पेस कम हो लेकिन धार ज्यादा होगी। ये उठा के मारा है जी, बस ढूंढते रहिए गेंद गई कहां है, अबू धाबी गई भाई, दुबई से इतनी ऊपर गई थी, एक लंबी उड़ान बड़ी थी। निकोलस बुरन की आपने फ्लेचर का छक्का दिखाया, अभी रुकिए, अभी मैं क्रीज में बना हूं, ऊंचाई देखिए कितना। फ्लेचर ने अगर 116 मीटर का छक्का मारा तो ये 92 मीटर, लेकिन ऊंचा बहुत गया। ये है विकेट, विकेट की तलाश थी और ये तीसरा झटका माई एमिरेट्स के लिए। लॉकवुड देख सकते हैं, इसलिए आज से क्रॉसिंग बॉल था ये, थोड़ा सा गति में परिवर्तन, बहुत जोर से मारने गए, खींच के ले आए विकेटों की तरफ गेंद को। लॉकवुड को एक और सफलता। ओ, ये बढ़िया कैच है, ये बढ़िया कैच है, ये बहुत बड़ी विकेट है, ये क्या बढ़िया कैच था। देखिए यॉर्कर किया था और एक बेहतरीन कैच वहां अली द्वारा, लोकल खिलाड़ी हैं ये, दुबई मूल के हैं लोकल खिलाड़ी, बहुत बढ़िया कैच पकड़ा है। कैचेस विन मैचेस, निश्चित तौर पे ये वैसा ही कैच है, ये शायद कैच नहीं मैच पकड़ा इन्होंने। उठा के खेला है, ये बेहतरीन शॉट है, बढ़िया फुटवर्क, थोड़ी जगह बनाए और मिलेंगे 4 रन यहाँ पे। यही अकील हसैन जो है अब चाहिए माय एमिरेट्स को, यही अकील हसैन। दीप का प्यास, पीछे फील्डर, मिस फील्डिंग, यहाँ एक मिलना चाहिए था, 4 मिले, निराश होंगे अपने आप से। 4 रन मिलेंगे, खोद के निकाला, वो शफल किया था, वो एंगल का और अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया, मोमेंटम प्राप्त करते हुए अकील हुसैन, बहुत तेज शॉट था। चलिए विकेट, विकेट,
धीरे किया था ये गेंद पथिराना ने, और ये बहुत जो स्लो पार्टनरशिप थी वो तोड़ी। हल्का सा वो गति में परिवर्तन, वो लेंथ वाला बॉल लेग स्टंप पे खेलना चाह रहे थे, बहुत बढ़िया कैच पकड़ा वहां पे पथिराना ने। ये लीजिए बड़ा शॉट मारने का प्रयास तो था पर नहीं, क्लियर नहीं कर पाए बाउंड्री को और एक विकेट गिरता हुआ अंबाती राइडू के रूप में अब माई एमिरेट्स का। पहले बैकफुट पे खेल रहे थे, स्टेप आउट किया था, वो मोमेंटम की तलाश, बड़ी हिट ऊंची बहुत गई, टाइम नहीं कर पाए। शाहीन अफरीदी लॉन्ग ऑन पे, कोई गलती नहीं वहां पे अपने स्पेल के अंतिम ओवर में डालने आए हैं। और बाहरी किनारा इतनी तेजी से गया है कि कीपर के पास कोई मौका था नहीं। चार मिलेंगे, ऐसे कई शॉट्स की दरकार है इस समय माय एमिरेट्स को। पर ये लीजिए इनके इरादे को चला गया, ये शॉट देखिए, ये ताकत भी है और टाइमिंग भी है। और इसी के हम बात कर रहे थे कि क्यों टिम डेविड को आपने डगआउट में रखा है, जो खिलाड़ी ऐसे शॉट खेल सकता है, काबिलियत देखिए, वो ताकत देखिए, टाइमिंग भी अच्छी, जिसके चलते वो 6 रन अपने नाम किए। पथिराना के पास दो विकल्प रहते हैं, एक यॉर्कर और दूसरी धीमी गति की गेंद। रन्स मिलेंगे यहाँ भी, बेहतरीन तरीके से खेला, थोड़ा धीमा गति से ये गेंद था, उसको पूरा फायदा उठाया और 4 रन फाइनल की दिशा से अपने नाम किए, 12 रन पहली 4 गेंदों में। नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े रह जाओगे। इस बार उठा के खेला है कवर्स के ऊपर से, वो फ्लैट छक्का, बड़ा ओवर ये माई एमिरेट्स के लिए, 18 इस ओवर में 143 पे 6। यॉर्कर की सोच ये बेहतरीन है, रन यहां मिलेंगे क्योंकि बेहतर से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टिम डेविड अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण रन जोड़ते हुए। छोटी गेंद, चलिए विकेट का मौका, धीमी गति थी और एक कैच थमाई है। अली नसीर का आज दिन बहुत बढ़िया है, अगर फील्डिंग की बात करें तो बहुत जोर से मारने की कोशिश की, समझा आपने कि गेंद जो है वो बल्ले के बीचों बीच आएगी, गेंद जाके लगी बिल्कुल निचले भाग में और इन्होंने आज अच्छे कैचेस पकड़े हैं। ये दूसरा ऐसा कैच है जो बढ़िया ढंग से पकड़ा गया। बोल्ट और बड़ी शॉट खेलने की सोच थी, इस बार ऊंचाई मिली है, दूरी नहीं मिला तो नीचे खिलाड़ी, एक और विकेट। ये लगातार गलती में मिशन कर रहे हैं जिसका लाभ मिल रहा है अमेरिका को, बहुत बढ़िया सोच है यहाँ पे। स्पेल राय इस प्रकार आउट हुए, फिर से वो बड़ा शॉट, देखिए चारा यहाँ था नहीं, अभी भी आए हैं वही प्रयास कर रहे थे, सीधा फील्डर को पाया। ये सबसे अच्छा मौका होता है हैट्रिक लेने का, क्योंकि नया बल्लेबाज जो आएगा आते संगी पहली गेंद पे बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करेगा वो। एक और विकेट का मौका, कैच नहीं लेकिन रन आउट का मौका, और रन आउट के चलते ये पारी यहां पे हुई समाप्त। मोहम्मद आमिर का ये कमाल का ओवर आया है, इस तरह से आउट हुए थे, अच्छा किया, अंडर आर्म कर दिया, कई बार होता है कि जोर से